परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें यह अवसर दिया कि हम फिर से आपकी उपस्थिति में एकत्रित होकर पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी बातों को सुने, और पवित्र आत्मा जो बातें हमें बताता है वो गूढ़ बातें हैं और वो हमारे अनंत जीवन से और हमारे उद्धार से संबंधित हैं, ताकि हम सब विश्वास करने वाले उद्धार भी प्राप्त करें और अनंत जीवन के वारिस भी बने, और इस पृथ्वी पर जब तक हम जीवित हैं परमेश्वर की महिमा का कारण बने, ताकि प्रभु हम सब का जीवन आपकी महिमा के योग्य हो। यही आपकी इच्छा है और यही आप हमारे जीवन में करना चाहते हैं, ताकि आपका नाम हम सबके द्वारा महिमान्वित होने पाए। धन्यवाद के साथ प्रभु इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा हम सबके जीवन में वो कार्य हो और पूर्ण हो, जो कार्य यीशु मसीह के बलिदान से शुरू हुआ है वो हम सबके जीवन में वो पूर्ण करे, ताकि उसकी महिमा का प्रगटीकरण हमारे हम सबके जीवनों से होने पाए। आज जब हम लोग लगातार परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में अध्ययन कर रहे थे, अब बाइबल के दो पार्ट हैं, पुराना नियम, नया नियम, पुरानी वाचा और नई वाचा, और इन दो भागों का ये पूरी बाइबल कंप्लीट, इसको ये पूरी कंप्लीट बाइबल ही उद्धार के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप कभी आपने देखा होगा या कभी आपको अनुभव होगा आने वाले समय में कि आप ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी कलीसियाओं में, ऐसे कलीसियाओं के लोगों के बीच में आपका आना जाना, उठना बैठना हो, जब आप उनसे मिलेंगे तो आपको उनकी बातें विचलित कर सकती हैं, क्योंकि वो आपसे कुछ कुछ ऐसी बातें करेंगे जो व्यवस्था से संबंधित बातें, शारीरिक क्रियाओं से संबंधित बातें होंगी, जैसे कि आपका पानी का बपतिस्मा हुआ है कि नहीं हुआ, आपने बपतिस्मा लिया कि नहीं लिया, और आपको आप होली कम्युनियन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, इस तरीके की बातें करने वाले लोग आपको मिलेंगे। लेकिन आज हम इस पड़ाव पे आए हैं अपने अध्ययन में कि आज हम लॉ और ग्रेस, यानी पुराने नियम और नए नियम को ऐसे पैरेलल देखेंगे। पैरेलल का मतलब ये है कि पुराना नियम का अपना काम है और नए नियम का अपना काम है, और ये दो जीवनों के जीवन के दो हिस्सों को दिखाता है। पुराना नियम हमारे पुराने जीवन को दिखाता है, जो मसीह में आने से पहले का शारीरिक और सांसारिक जीवन उसको दिखाता है, और नया नियम हमारा हमारे नई सृष्टि होने के विषय में बात करता है। तो ये दो अलग अलग पहलू हैं जीवन के दो भाग, और इसलिए हम आज इसको संक्षेप में समझेंगे कि डिफरेंस। पूरे पुराने नियम को लॉ बोला जाता है, ओल्ड टेस्टमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज अ लॉ ऑफ गॉड, एंड न्यू टेस्टमेंट, द होल न्यू टेस्टमेंट इज रिप्रेजेंटेड एज द ग्रेस ऑफ गॉड। एक अनुग्रह की बात करता है, दूसरा कानून की बात करता है या व्यवस्था की बात करता है। पुरानी वाचा जो व्यवस्था पर आधारित है उसे पुराना नियम भी कहते हैं, तथा नई वाचा जो अनुग्रह पर आधारित है जिसे नया नियम कहते हैं। हम पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच अपने अध्ययन को जारी रखते हुए ये देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि अनुग्रह के 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 हम दोनों वाचाओं के बीच में आज हम कहां पर हैं, ये देखना हमको, ये हमारे अध्ययन का वो है, यानी उद्देश्य। ये अध्ययन व्यवस्था और अनुग्रह के बीच अंतर के द्वारा देखने में हमारी सहायता करेगा कि अनुग्रह जो कि यीशु मसीह द्वारा किया गया है उसके अंतर्गत हमारा जीवन का स्तर क्या होना चाहिए। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 5, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5। जब हम ये पढ़ रहे हैं इससे पहले हम आपको बता दें कि पुराने नियम का आखिरी भविष्यवक्ता कौन था, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और नए नियम का
पहला व्यक्ति या भविष्यवक्ता कौन था? प्रभु यीशु मसीह। ये दो व्यक्तियों के बीच में व्यवस्था और अनुग्रह बट रहा है, दो भाग हो रहा है। अब यहां पर यीशु मसीह जो व्यवस्था की शिक्षा पाकर लोग पाते चले आ रहे थे युगों से बीसी काल में, वो उनको यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा पवित्र आत्मा ने उनको कॉल दी कि वो आकर मन फिराए। क्यों मन फिराए? क्योंकि अब प्रभु आ गया है व्यवस्था को पूरा करने के लिए, इसलिए मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आ गया, राजा आ गया, इसका मतलब राज्य आ गया। अब आप ये देखिए, यीशु मसीह ने फिर एक लाइन की थी, और वो लाइन क्या है? पांच अध्याय का 20 पद पढ़िए, पांच अध्याय उसका 20 पद यहां इस प्रकार, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश करने ना पाओगे। आपने अभी शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता को नहीं जाना। व्यवस्था की शिक्षा में हम यही देख रहे थे कि जो शास्त्री फरीसी यानी जो याजक और महायाजक हुआ करते थे मूसा के तंबू में सेवा करने वाले जो अंदर जाते थे, उनकी पहुंच कहां तक थी, उनकी अप्रोच कहां तक थी, जबकि वो इतने रिलीजियस थे, इतने ढेर नियमों का पालन करते थे, 613 कानूनों का पालन करते थे, मूसा की 613 आज्ञाएं उनको माननी होती थी, उसके बाद उनकी पहुंच कहां तक थी? वो एक लेवल है, वो शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता कहलाती है, वो धार्मिकता जो व्यवस्था पर आधारित धार्मिकता है, यानी व्यवस्था मानने वालों की धार्मिकता। यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारी धार्मिकता किसकी? मसीही विश्वासियों की धार्मिकता, जब तक शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं मिलेगा। अब आप ये बताइए, वो हमको एंट्री देने की बात कर रहा है या दरवाजा बंद कर रहा है या दरवाजा खोल रहा है? वो मसीही लोगों के लिए जो उस पर ईमान लाएंगे उनके लिए दरवाजा खोल रहा है, और जो व्यवस्था पर आधारित धार्मिकता वाले थे उनकी पहुंच बता रहा है कि तुम पहुंच नहीं पाओगे। जिस चीज को मैं लेकर आया हूं तुम उस चीज को मैं पहुंच नहीं पाओगे वहां तक। दोनों तरफ वो बात कर रहा है, ये डबल इक्वेशन में। इंग्लिश में अगर पढ़ दें इसको, मैथ्यू चैप्टर 5:20, उसका 20 वर्स है, फॉर आई टेल यू अनलेस योर राइटियसनेस योर अपराइटनेस एंड योर राइट स्टैंडिंग विथ गॉड इज मोर देन दैट ऑफ द स्क्राइब्स एंड फेरिसीज यू विल नेवर एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। क्लियरली उसने साफ बोल दिया, कोई प्रवेश नहीं मिलेगा जब तक, कब तक नहीं मिलेगा। यानी आपने देखा होगा कभी भी कोई दौड़ शुरू होती है तो उसकी एक स्टार्टिंग लाइन होती है ना? ये नए नियम के लोगों के लिए, मसीही विश्वासियों के लिए ये स्टार्टिंग लाइन है, यहां से शुरू करना है। और अब आपको फिर ये बताते हैं, थोड़ा सा रिमाइंड कराते हैं कि हमने व्यवस्था के बारे में जो अध्ययन किया पहलुओं में, पार्ट्स में, उससे हमको ये समझ में आया कि व्यवस्था एक लेवल तक तो हमको पहुंचाती है, यानी बेसिक्स हमको मिल जाता है वहां से। अब बिना प्राइमरी शिक्षा के कोई भी हायर एजुकेशन में नहीं जा सकता, आपको प्राइमरी सेक्शन में पढ़ के आना पड़ेगा। अन्य जाति बेचारे जिनके पास ना तो वचन था बचपन से, ना उन्होंने कभी सुना, ना उनको ये कभी समझाया गया, उनके सामने ये रखा ही नहीं गया, तो अन्य जातियों के लिए फाउंडेशनल टीचिंग के लिए बहुत जरूरी है कि मूसा के तंबू के द्वारा उनको ये सब चीजें स्पष्ट की जाएं कि ये रिलीजियोसिटी है, यानी ये इसको क्या बोलेंगे, रिलीजन बोलेंगे, मूसा की व्यवस्था का पालन करने वाला रिलीजियस होता है,
स्पिरिचुअल नहीं होता है। और रिलीजियस और स्पिरिचुअल का अंतर आपको यहीं से पता चलेगा। रिलीजियस होना यानी विधियों का पालन करके एक लेवल तक पहुंच जाना, प्राइमरी सेक्शन पूरा करना। तो प्राइमरी सेक्शन आज के हिसाब से देखिए कि सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था के द्वारा, सब जाति के लोगों के पास पुराना नियम है। वो पुराना नियम यही है, ये मत खाओ, ये मत छुओ, वही तो वहां पर भी था, ऐसे मत करो, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, जितने भी डूज एंड डोंट्स हैं रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब पुराने नियम की बात करते हैं, व्यवस्था की बात करते हैं। सब जातियों के लोग व्यवस्था में फंसे हुए हैं, हैं के नहीं है, कोई नहीं होगा ऐसा जो व्यवस्था में ना फंसा हो। सबका जन्म होता है, जन्म से वो व्यवस्था में फंस जाता है और उस व्यवस्था में वो तब तक फंसा रहता है जब तक कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो उद्धार प्राप्त ना कर ले। इसका मतलब, उद्धार पाने का मतलब है अनंत छुटकारा प्राप्त करना उस व्यवस्था से जिसका पीढ़ियों से लोग पालन करते आ रहे हैं। ये सरल मीनिंग बता रहे हैं। अब एक और पद पढ़ दीजिए कि इसी के साथ, जो आपको और हमको बहुत इंपॉर्टेंट है इसके साथ पैरेलल देखने के लिए, इसका 5 अध्याय का 27 पद पढ़ दीजिए। यीशु मसीह के कहने का तात्पर्य क्या हो रहा था? तुम सुन चुके हो, ये व्यवस्था वालों से बात कर रहा, जो मूसा की व्यवस्था जिनको जिनको मालूम थी, यहूदी लोग कहने लगा तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार न करना, यानी व्यवस्था में यही तो है व्यभिचार न करना, 10 आज्ञाओं में भी व्यभिचार न करना जी, परंतु अब यीशु मसीह उस लाइन को व्यवस्था व्यभिचार ना करना ये एक आज्ञा है 10 आज्ञाओं में से, तो उनसे उसी आज्ञा के आधार पर कह रहा है परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर यानी गंदी नजर से देखे या उसको देखकर अपने मन में गंदा विचार करे जी, वो अपने मन में अब बताइए ये व्याभिचार ना करना 10 आज्ञाओं में है। तो बहुत से लोग कहते थे हम 10 आज्ञाओं का पालन करते हैं, कैसे? उनके मन में किसी स्त्री पर उन्होंने देखा और उसके विषय में गलत विचार किया, गंदा विचार किया, तो यीशु मसीह कह रहा तुमने उसके साथ व्यभिचार कर लिया मन में। तो मन में जो व्यभिचार किया इसको कौन जानता? केवल परमेश्वर। तो क्या पुरानी वाचा के अंतर्गत किसी ने व्यभिचार नहीं किया? हो सकता है शरीर से नहीं किया, मन में तो किया ना। अब मन में पाप किया तो क्या वो पाप काउंट नहीं होगा? तो यीशु मसीह ने वो 10 आज्ञाओं को और लेवल उठा दिया कि 10 आज्ञाओं को मानने वालों को ये घमंड था कि हम तो 10 आज्ञा मानते हैं। अब आप इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे, पुराने नियम और नए नियम का विशेष अंतर हमको रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 14 पद को पढ़िए, यहां पे हम इस अंतर को पकड़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 6 हाँ, अब तुम पर पाप की प्रभुता ना हो क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। ये पौलुस ये कह रहा है कि अब तुम पर पाप की प्रभुता ना हो क्योंकि अब तुम पुराने नियम के अधीन नहीं वरन नए नियम के अधीन हो। अगर हम आज की भाषा में सरल भाषा में बोले, यही तो बोल रहा है, यही बोल रहा ना, दोनों टेस्टामेंट का अंतर रख रहा सामने। अब आप इसमें एक महत्वपूर्ण बात देखिए, इसके अनुसार पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य ना करने पाए क्योंकि तुम अब अनुग्रह के अधीन हो। ये इंफॉर्मेशन दे रहा है, डिक्लेरेशन नहीं है। तो पौलुस ये नहीं कह रहा है कलीसिया से कि तुम अनुग्रह के अधीन हो, ये नहीं कह रहा है। वो उनको ये कह रहा है अगर पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य नहीं कर रहा है इसका मतलब कि तुम अनुग्रह के अधीन हो। उनको पहचानना सिखा रहा है कि पाप से तुम यानी मसीह के हो कि नहीं हो, ये पता यहां से चलेगा तुम्हारे जीवन में कौन राज्य कर रहा है, पाप या पवित्र आत्मा। अर्थात पुरानी वाचा के लोगों में पाप शरीर के द्वारा प्रभुत्व करता है और जो लोग अनुग्रह के अंतर्गत हैं वो पाप के प्रभुत्व से स्वतंत्र होकर
परमेश्वर की इच्छा में जीवन व्यतीत करते हैं। इस पद में लॉ यानी व्यवस्था पुरानी वाचा को प्रकट करती है और अनुग्रह नई वाचा का प्रतीक। ये दोनों वाचाओं को उसने अलग कर रहा है इसमें और उसका तरीका बता रहा है। पाप, पाप का राज्य अगर तुम्हारे जीवन में है अभी भी, तुम अभी भी व्यवस्था के अंतर्गत हो और शॉर्टकट ढूंढोगे। अब पाप या तो व्यवस्था के अधीन हो सकते हैं, अब या आप या तो व्यवस्था के अधीन हो सकते हैं या अनुग्रह के। पौलुस ने इसका मतलब उनके सामने लाइन रखी। अब आपको यह देखना है कि आप किसके अधीन है, अनुग्रह के अधीन है या व्यवस्था के अधीन है। पाप राज्य कर रहा है या आप पाप पर जयवंत हो गए या अनुग्रह के। इसका प्रमाण यह है जब आप व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं तो पाप आप पर हावी नहीं हो सकता। कारण क्या है? नहीं हो सकता। हम इसे दूसरे तरीके से ये कह सकते हैं कि यदि आप अनुग्रह के अधीन नहीं बल्कि व्यवस्था के अधीन हैं तो पाप का आप पर प्रभुत्व होगा। अगर आप पुराने नियम के अंतर्गत हैं, हर एक व्यक्ति जो पैदा होता है पहला जन्म से लेके और उस दिन तक जिस दिन तक वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं करता, उसे ग्रहण नहीं करता, वो पुराने नियम के अंतर्गत होता है, उस पर व्यवस्था लागू होती है। और देखिए छोटे बच्चों को शुरू से सिखाया जाता है ये मत करना, ये मत बोलना, ये सिखाया जाता है। ये एक बेसिक टीचिंग है जो आज घरों में खत्म हो गई है और ये बेसिक टीचिंग कलीसिया में परमेश्वर के वचन के द्वारा हर एक को नहीं की, बड़ों को भी जरूरत है। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी। व्यवस्था और अनुग्रह के अंतर को समझने के लिए हमें दो व्यक्तियों मूसा और प्रभु यीशु मसीह को समझना होगा। यही दो व्यक्ति हैं दोनों टेस्टमेंट के को लेकर खड़े होने वाले। मूसा के द्वारा व्यवस्था आई थी ना, और यीशु मसीह का यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 17 पद। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। तो दोनों व्यक्तियों के द्वारा कुछ कुछ दिया जा रहा है। तो मूसा के द्वारा व्यवस्था दी गई थी और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई आई। अब देखिए ये दोनों अगर आप देखें कॉम्प्लीमेंट्री हैं, व्यवस्था और अनुग्रह, पुराना नियम नया नियम एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। लेकिन अगर आप शारीरिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो आपको दोनों परस्पर विरोधी लगेंगे। लेकिन ये विरोधी नहीं है, कंट्राडिक्टरी नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक दूसरे के पूरक है और इन दोनों का आपस में एक विशेष संबंध है। इन दोनों में से एक सेवक है और एक स्वामी। कौन सेवक है और कौन स्वामी? मूसा और यीशु मसीह में कौन सेवक है कौन स्वामी? यीशु मसीह स्वामी है, मूसा सेवक है। ठीक, इब्रानियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 1-6 पद तक पढ़ लीजिए, आपको अंतर स्पष्ट मिलेगा वचन के आधार पर। इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो उस प्रेरित और महान याजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो। वो अपने नियुक्त करने वाले के लिए विश्वास योग्य था जैसे मूसा भी परमेश्वर के सारे घर में था, क्योंकि यीशु मूसा से इतना बढ़कर महिमा के योग्य समझा गया जितना कि घर का बनाने वाला घर से बढ़कर आदर रखता है, क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई तो बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वो परमेश्वर है। मूसा तो परमेश्वर के सारे घर में सेवक के समान विश्वास योग्य रहा
जिन बातों का वर्णन होने वाला था उनकी गवाही दे। तो मूसा की व्यवस्था यीशु मसीह की गवाही देती है, ये हमने स्टडी में पाया। ठीक, वो गवाही दे जी, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है और उसका घर हम हैं। परमेश्वर के घर का अधिकारी यानी यीशु मसीह विश्वासियों का अधिकारी है और मूसा सेवक है। ठीक, सेवक भी इंपॉर्टेंट है और स्वामी भी इंपॉर्टेंट है जी। यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सब कुछ पूरा कर देगा। हमारा अंगीकार कि प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, ये अंगीकार हमें थामे रहना है और बहुत चीजों का सामना आपको करना पड़ेगा इस अंगीकार को थामे रहने के लिए। लेकिन याव मत छोड़िएगा, क्योंकि आपकी सहायता परमेश्वर की ओर से आती है, व्यक्तियों की ओर से नहीं आती है। फिजिकल हेल्प नहीं मिलेगी। पुरानी वाचा एक व्यक्ति को परमेश्वर के समीप ला सकती है लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं पहुंचा सकती। अब आपको पता चला लॉ एंड ग्रेस का अंतर। मूसा के तंबू से हमने ये देखा कि मूसा के तंबू में जो सेवकाई थी उसमें याजक कहां तक जा सकता था, पर्दे के बाहर यानी पर्दे के सामने तक जा सकता था। परमेश्वर के समीप कहते हैं, वो नजदीक पहुंचा सकती है मूसा की व्यवस्था लेकिन प्रवेश नहीं करा सकती। परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश इम्पॉसिबल है इन द ओल्ड कोवेनेंट। हालेलुया। लेकिन नए नियम में उल्टा है। जब पवित्र आत्मा हमको मूसा के तंबू के द्वारा परमेश्वर के समीप जाने के लिए तैयार कर देता, इसका मतलब व्यवस्था हमको परमेश्वर के समीप जाने के लिए तैयार कर सकती है लेकिन प्रवेश नहीं करा सकती। तो इंपॉर्टेंस तो है कि एक लेवल तक तो हमें पहुंचा रही है ना, उसके बाद का लेवल वहां पे व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती। अब आपको उसने वहां तक पहुंचने के लिए रखा था कि वहां तक पहुंचा दिया, अब वहां से उसके उस पार कौन पहुंचाएगा? परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्यों भेजा? इसलिए भेजा कि वो जो यहां तक जा सकते थे उनके लिए और जो बिल्कुल अंदर जा ही नहीं सकते थे, फाटक के अंदर तक आ सकते थे लेकिन उसके आगे नहीं जा सकते थे, उनके लिए सबके लिए अंदर पर्दा हटा दिया। व्हाट अ ग्रेट वर्क जीसस डिड फॉर अस। उसने हमारे लिए कितना महान काम किया है और हमारा चरित्र क्या इस योग्य है कि हम उस परम पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाए? इसलिए क्योंकि हमको पवित्र आत्मा पहले तैयार करता है। कलीसिया में पवित्र आत्मा का काम यही है, आपको पूरी तरीके से देह प्राण आत्मा में पूरा तैयार करना कि आप परम पवित्र स्थान में प्रवेश पाओ। लेकिन उसका काम तैयार करना है, पवित्र आत्मा भी प्रवेश नहीं कराएगा। प्रवेश आपको तब मिलेगा जब आपके जीवन में वो कार्य फुलफिल हो जाएगा। अब इसको हम लोग पार्ट्स में चल रहे हैं इसलिए पार्ट्स में ही रहेंगे और इसका कंप्लीट होगा अपने आप। अब देखिए, इसीलिए पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच पर्दा जो कि प्रभु यीशु मसीह की देह का और उसके द्वारा किए गया सिद्ध बलिदान का प्रतीक है, वो कब हट सकता है? वो पर्दा जो पड़ा हुआ था ना, मूसा की व्यवस्था के अनुसार व्यक्ति पर्दे तक जा सकता था, पर्दे के उस पार नहीं जा सकता था। वो पर्दा प्रभु यीशु मसीह को और उसकी देह के द्वारा किया गया सिद्ध बलिदान को प्रतीक करता, उसका प्रतीक है। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 19, 20 और 21 पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय का 19, 20 और 21 पद। इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का याव हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर
हमारे लिए अभिषेक किया है और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ, अब ये कॉल है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के, आधे विश्वास के साथ नहीं, थोड़े विश्वास के साथ नहीं, पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवा कर परमेश्वर के समीप जाए। अब ये एक नया मार्ग है और जीवित मार्ग है। अब इसमें देखिए, ये जो यीशु मसीह ने हमारे लिए अभिषेक किया है, ये पर्दा यीशु मसीह की मृत्यु के समय फट गया था। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 51 वर्स पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय 27 चैप्टर और 51 वर्स यहां लिखा हुआ है। 27 अध्याय का 51 वर्स, और देखो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई, यानी द वर्क इज डन। यीशु मसीह ने कुछ पूरा किया है। आज यीशु मसीह ने जो पूरा किया उसके विरोध में लोग सेवकाई में ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं, जो उसने पूरा कर दिया उसमें कुछ ना जोड़ा जा सकता है, ना उसमें ना कुछ घटाया जा सकता है। द वर्क इज डन। उसने जब पूरा कर दिया, उसने क्या पूरा कर दिया? उसने परम पवित्र स्थान में सबके लिए प्रवेश खोल दिया। एंड एट वंस द कर्टेन ऑफ द सैंक्चुअरी ऑफ द टेम्पल वॉज टॉर्न इन टू फ्रॉम टॉप टू बॉटम, द अर्थ शूक एंड द रॉक्स वर स्प्लिट। और ये हो गया कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को एक्सेप्ट कर लिया फॉर ऑल मैनकाइंड, प्रत्येक मानव जाति के पापों के लिए वो प्रायश्चित ग्रहण हो गया। अब लोग आप बताइए, कौन सा प्रायश्चित आप अपना करना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मसीह में आने के लिए? और कोई प्रायश्चित बाकी है क्या? जो फिजिकली जो काम करना था वो यीशु मसीह ने कर दिया। अब मसीही विश्वासी को फिजिकली कुछ नहीं करना है क्योंकि उसने करके खत्म कर दिया, बॉडी डेड। और अब काम शुरू होता है आत्मा का। मसीहत कहां से शुरू होती है? शारीरिक क्रियाओं से या आत्मा के यानी आत्मिक जन्म से, बॉर्न अगेन से? तो आत्मा से ही आपके जीवन में मसीहत की शुरुआत होगी, यही इसमें स्पष्ट हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि अब जबकि परम पवित्र स्थान में प्रवेश का द्वार सबके लिए खुल गया है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा जीवन का स्तर पुराने नियम के लोगों के जीवन के स्तर से ऊंचा होना चाहिए कि नहीं। यीशु मसीह ने कहा था ना, शास्त्रियों फरीसियों से बढ़कर तुम्हारी धार्मिकता नहीं होगी, तुम कभी भी प्रवेश नहीं करने पाओगे। अब आप ये बताइए, आज अपने आप को देखिए, आप कहां खड़े हैं? क्या आप अभी प्रवेश के लायक हैं? आईना का काम कर रही ताकि हम वहां पहुंच सके जहां पुरानी वाचा के द्वारा नहीं पहुंच सकते हैं। अब यह स्पष्ट है कि परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संगति के बिना व्यवस्था के द्वारा लोग जीवन के एक निश्चित मानक तक पहुंच सकते हैं। ये तो सही है, वो एक लेवल तक तो जा सकते हैं, उपस्थिति तक, लेकिन अब इसके आगे वो नहीं जा सकते। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स अगर रखूं तो वो ये है कि आपने एलिया के विषय में सुना होगा, पढ़ा भी होगा। क्या एलिया को, जो परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करता था और आत्मा के अनुसार चलता था, उसको कभी आपने किसी स्त्री के पीछे मोहित होकर भागते या धन के पीछे मोहित होकर भागते देखा? उसके जीवन में सांसारिकता पाई गई?
और आपको शॉकिंग न्यूज बताएं, इसके बावजूद वो वहां नहीं पहुंच पाया जहां प्रभु यीशु मसीह का द्वारा अनुग्रह के अंतर्गत हम पहुंच सकते हैं। वो वहां तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो पुरानी वाचा के अंतर्गत था, फिर भी वो नहीं पहुंच पाया आपका। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का, जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रीय और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी, तुमको वहां प्रवेश नहीं कर पाओगे। इसका मतलब हमें व्यवस्था में जाकर देखने की, अवलोकन करने की और वहां पर अध्ययन करके अपने अंदर उन चीजों को देखने की जरूरत है। क्या चीज है जो वहां पर हमारे जीवन में अभी है जो नहीं होनी चाहिए? क्यों हम फाटक से अंदर जा सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते? और याजक लोग जो उसके आगे भी जा सकते थे, उनकी भी पहुंच एक लिमिट तक थी। तो हम दोनों पहलू देखते कि हम तो जा ही नहीं सकते, लेकिन जो जा सकते थे उनकी भी पहुंच एक सीमा तक थी, उसके बाद नहीं थी। और पर्दे के उस पार वर्ष में एक बार, महायाजक हर समय नहीं प्रवेश कर सकता था, प्रतिबंधित था। वो वर्ष में एक बार जाता था, वो भी प्रायश्चित के दिन, द डे ऑफ अटोनमेंट पे। ये एक यहूदियों का एक फीस्ट है, आज भी पर्व, उसी दिन जाता था और वो सबके पापों की, अपने और सब लोगों के पापों की क्षमा के लिए लहू लेकर जाता था, लेकिन वहां पर जाकर मर जाता था। किसी की पहुंच नहीं हो पाई। तो ये इस बात को दिखाता है कि व्यवस्था के अंतर्गत इतने शुद्ध लोग भी नहीं उस पार जा पाए। यहुन्ना बपतिस्मा देने वाला एक एग्जाम्पल और है। यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले को यीशु मसीह ने कंपेयर किया है कलीसिया के लोगों से। वो हमारे लिए मानक है, व्यवस्था और अनुग्रह के बीच का पॉइंट, जब तक इससे बढ़ के नहीं आओगे। अब इसके लिए एक पद निकाल लीजिए जो आपको मिलेगा, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 11 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 11 पद। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है, किससे? यहुन्ना से वो बड़ा है। यानी स्वर्ग के राज्य में एक छोटा सा व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो वो यहुन्ना से बड़ा होगा। इसका मतलब उसने व्यवस्था को लिमिट कर दिया, यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले तक सीमा बांध दी। व्यवस्था किसी, वो व्यवस्था के अंतर्गत यीशु मसीह भी पैदा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह को इसलिए इसमें नहीं लाया गया, वो सेकंड गॉड हेड है और वो स्त्रियों से उत्पन्न नहीं हुआ, पुरुष और स्त्री से। लेकिन यहुन्ना हुआ था, यहुन्ना माता पिता से पैदा हुआ था। यीशु मसीह का जन्म एक मिराकुलस बर्थ है, इसलिए उसको एड ऑन नहीं किया गया। अब आप यहां पे देखिए, यहुन्ना बपतिस्मा देने वाले को आपने किसी स्त्री पर मोहित होते उसकी तरफ भागते देखा, या धन की तरफ भागते देखा, या सांसारिक वस्तुओं की तरफ भागते देखा? लेकिन वो भी वहां तक नहीं पहुंच पाया। कितनी गंभीर बात है ये, अनुग्रह कितनी गंभीर चीज है जिसको लोग आज बुरी तरीके से तमाशा बना रहे। हिसाब तो होगा, न्याय के दिन झेलना मुश्किल हो जाएगा जितना आज हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लॉ एंड ग्रेस इज इन लॉ, और यानी पुरानी वाचा और नई वाचा, या पुरानी वाचा को एक शब्द में कहें तो लॉ, और नई वाचा को एक शब्द में कहें तो ग्रेस। लॉ और ग्रेस में अंतर आपको बताएं, बहुत क्लियर कट अंतर जो मैंने अब तक यानी असेस किया, वो ये है कि लॉ डिमांड्स एंड ग्रेस प्रोवाइड्स। लॉ मांगता है मृत्यु दंड और ग्रेस प्रोवाइड करता है मृत्यु दंड। हमारे लिए लॉ के अनुसार हम मृत्यु दंड के भागी हैं, यही तो हमने व्यवस्था में देखा। व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहर सकता, सब दोषी है, सब अपराधी है, सब पापी है। और व्यवस्था हमको यह दिखाती है कि तुम पापी हो और तुम्हें एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, लेकिन अनुग्रह उद्धारकर्ता के उस लहू को प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा मैं पापों की क्षमा मिलती है। हालेलुया। और इस पवित्र लहू का लोग कैसे तिरस्कार कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए,
और प्रभु इस बात के स्पष्टीकरण के लिए कि पुरानी वाचा और नई वाचा के अंतर को हम कैसे समझें और दोनों के महत्व को भी जानना है और हमें ये सीखना है कि पुरानी वाचा हमें इस योग्य बनाती है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के योग्य बने और अनुग्रह के द्वारा हम उसके पार जाते हैं क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए वो मार्ग खोल दिया है, नया और जीवता मार्ग जिसमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम प्रवेश पाते हैं और हम अनंत जीवन के वारिस बनते हैं और इस पृथ्वी पर जीवित अवस्था में जब तक हम हैं हम उसकी महिमा के योग्य बने ताकि हमारे जीवन से उसका नाम महिमा पाए। इसलिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।